ऑब्जेक्शन को आंसर कैसे किया जाता है, मैंने बोला ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाता है। तो हमें किसी के भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना है, सवाल का जवाब दोगे तो और सवाल निकल के आएंगे। हमें सवाल का जवाब नहीं देंगे, उस सवाल को खत्म करना है। कैसे? नंबर वन, क्वेश्चन जब कोई पूछ रहा है तो बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ऐसे ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे हाथ और ऐसे बांध लो, बोलने दो अगले को, अगले को पता होना चाहिए। आप स्माइल के साथ करो, मेरे साथ स्माइल, गर्दन हिलाओ। क्यों? क्योंकि कल हमने सीखा था जो सबसे ज्यादा सवाल पूछता है वही सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। तो जब अच्छा काम करने वाला दिख गया तो उसका कैसे स्वागत करोगे? उसको कह रहे और बोल और बोल। ज्यादातर चांसेस ये हैं, बंदा जब बोलने लगेगा बोलेगा 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 तो क्वेश्चन का आंसर एंड में वो खुद देगा। मेरे चाचा ने किया था, उन्होंने इतने साल एम ए किया, वो मीटिंग में जाते थे, 300-300 रुपए की मीटिंग होती थी, 400 रुपए का डिटर्जेंट था, कर करके थक गए, छोड़ दिया। आंसर क्या है? चाचा इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि छोड़ दिया। किसी भी क्वेश्चन को बोलने दो बोलने दो बोलने दो। ओ नहीं, फिर आप बल्कि पूछ रहे हो फिर, तो एक तो वो जो उसके माइंड में ऑब्जेक्शन चल रहा होता है ना, उसकी गर्मी कम हो जाती है। अरे ये तो खुद ही मेरी बातें, हाँ हाँ मुझे भी लगा था। तो वो कुछ भी पूछ रहा है और आप कह रहे हो हाँ मैंने भी ऐसे ही सोचा था, सही बात है। तो अगला ना ऐसे ऐसे करके बोल रहा होता है, ऐसे धीमे धीमे ऐसे ठंडा होने लगता है। तो पहली बात आपकी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर। एक और बात है, जब आप स्माइल कर रहे होते हो ना तब आपके दिमाग में याद आने लगता है कि सुरेखा मैडम ने क्या सिखाया था। तो स्माइल करो एंड वेलकम करो क्वेश्चन का। दूसरा, जब उसने पूरा सवाल बोल दिया उसको समराइज करो, कितना से कितना भी नेगेटिव क्वेश्चन है, मेरे उसने किया था, वो टपरवेयर ज्वाइन किया था, वो कटिंग एज ज्वाइन किया था, मेरी भाभी ने तो ओरिफ्लेम भी किया था, उन्होंने तो एवॉन भी किया था, फलाने का ये था फलाने का ये था, किसी का भी चला नहीं। मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मोदी गेट चलेगा या नहीं चलेगा। अब उनके क्वेश्चन को हमने पॉजिटिव समरी करी, मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मोदी केयर चलेगा या, सच तो यही है ना, जब वो ये कह रहा है उसका नहीं चला उसका नहीं चला उसका नहीं चला उसका नहीं चला, तो मतलब वो जानना चाहते हैं कि उनका चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जो भी कोई क्वेश्चन पूछे उसका पॉजिटिव समरी कर सकते हो तो करो। तीसरी बात, इस सीन को समझो जो मैं आपको दिखा रही हूं। तराजू होती है ना, तराजू का पलड़ा ऐसे ऐसे होता है, आप ये समझो ये तराजू है, जब किसी ने क्वेश्चन रखा तो ये पलड़ा भारी हो गया, और जब आप क्वेश्चन का जवाब देते हो ना तो आप उसके पलड़े को और भारी करते जाते हो। क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, जैसे ही क्वेश्चन आए आपको दूसरी तरफ ड्रीम रखना है। आप जितना बड़ा ड्रीम रखते जाओगे उसका सवाल छोटा होता जाएगा, दैट्स इट। हर एक सवाल को ड्रीम की तरफ लेकर के जाना है, शॉर्टेस्ट आंसर देना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, समझ गए? अब हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मैंने अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाई है। हम आपको माइक दे रहे हैं, आप हाथ खड़ा कीजिएगा। प्रोस्पेक्ट वाला सवाल पूछना है, कंसल्टेंट वाला सवाल नहीं पूछना है, मैडम मुरक्कन ऑयल कब आएगा, ये कंसल्टेंट वाला सवाल है। कंसल्टेंट वाला सवाल मैं अभी हैंडल नहीं कर रही हूँ। प्रोस्पेक्ट जो सवाल पूछते हैं ऐसे नहीं पूछना है, मैडम जब हम मीटिंग करते हैं तो लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, नहीं, वो लोग आप ही हो। आप डायरेक्ट क्वेश्चन शूट करो, मैं उसको ड्रीम में कैसे कन्वर्ट करना है वो सिखाती हूँ। सर हाथ खड़ा हुआ है, माइक दे दीजिए प्लीज। भरत वो सामने बंदे खड़े, जरा स्पीड से कीजिए। हाँ एक माइक और ले लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल ऐसे कंसल्टेंट जो आता है आप पूछना चाहते हैं कि टारगेट के लिए पूछने लगते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक मिनट, मैंने क्या कहा? आप प्रोस्पेक्ट हो, एस कंसल्टेंट सवाल नहीं एंटरटेन कर रही, प्रोस्पेक्ट वाला सवाल सीधे वो सवाल पूछो।
मोदी कहलाने के क्या फायदे हैं? मोदी कहलाने के क्या फायदे हैं? सपने हैं तो पूरे करने के लिए जुड़ो। अब ना इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपकी नॉलेज तो कितनी है? आपकी नॉलेज है मोदी कहलाने से पैसा मिलता है, फॉरेन ट्रिप मिलती है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। आप तो 20 मिनट बोल सकते हो उस टॉपिक पे। जब तक आप 20 मिनट बोलोगे ना, वो 20 नए सवाल अपने दिमाग में सोचते हैं। तो वो नहीं करना है। शॉर्टेस्ट मोदी के लिए क्यों जुड़ना है? आपके सपने हैं तो बस वो पूरे करने के लिए जुड़ना है। इससे ज्यादा क्या बोलने की जरूरत है? फिर उसको अगला सवाल पूछते दो, उस अगले सवाल का भी शॉर्टेस्ट आंसर। फिर सवाल पूछते दो, उस अगले सवाल का भी ड्रीम की तरह शॉर्टेस्ट आंसर। दैट्स द फॉर्मूला। यस सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड एक मिनट एक मिनट। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग नहीं करो, प्रोस्पेक्ट हो। मैं एज अ प्रोस्पेक्ट, मेरी एज है 50। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ आर यू श्योर कि आपकी कंपनी शट नहीं होगी, मतलब कभी बंद नहीं होगी? अच्छा, कंपनी बंद नहीं होगी। उसकी एक प्रोफेशनल है वो, एज उसकी 50 है। एक मिनट, यू आर द प्रोस्पेक्ट, डोंट डिस्क्राइब योरसेल्फ, जस्ट शूट द क्वेश्चन। हाउ आर यू श्योर कि आपकी कंपनी कभी बंद नहीं होगी? सर, कंपनी 1000 करोड़ कर रही है, इतना प्रॉफिट कमा रही है, इस साल 6 देश जा रही है, मेरे सपने तो पूरे कर जाएंगे भैया, बंद नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन आता है ना कि मैं अभी जैसे एज आई एम प्रोफेशनल, मैं भी 50 साल का हूँ। एक मिनट। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कंपनी बंद नहीं होगी पे आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे आपको फैक्ट बोलना होता है। ये ड्रीम पे नहीं कन्वर्ट कर पाई ना मैं। मैंने ये बताया कि भैया मेरे सपने सारे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि बंदा डरा हुआ है कि कंपनी बंद हो गई तो। अब मैं इसको ये नहीं सिखाऊंगी भाई मेरी बंद हो जाती है, आईडीएसए वाली बंद नहीं होती। मैंने ज्ञान नहीं दिया, मैंने जो सबसे स्वीटेस्ट ग्रेटेस्ट फैक्ट है, भैया 1000 करोड़ की कंपनी है, इतना प्रॉफिट कमा रही है, मेरे जन्म जीते जीते आपके जीते जीते तो बंद नहीं होगी, कमा लो। फैक्ट कंपनी से रिलेटेड बात आए तो थोड़ा फैक्ट जो हमारे को नॉलेज तो है ही, मिनिमम शब्दों में वो फैक्ट बताना होता है। आपका एक हो गया, बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत सारे लोग हैं और सारे क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे। इधर प्लीज माइक दीजिए सर जी, भरत ये खड़ी है ना, इनको दे दो। अच्छा हाँ जी, मैं लोगों के पास जाती हाँ। प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है सीधे वो बोलो। वो बोलता है कि आपकी कंपनी में आटा दाल चावल कब आएगा? समीर जी 4000 प्रोडक्ट लाने वाले हैं, समीर जी 4000 प्रोडक्ट लाने वाले हैं, सीक्वेंस मेरे को मालूम नहीं है पर जल्दी आएगा। पर कंपनी आटा दाल चावल जब लाएगी, आप पैसा तब कमाओगी जब नेटवर्क बना लोगी। फटाफट आओ काम कर लेते हैं। आपको प्रोडक्ट बेचने अच्छे लगते हैं? नहीं। तो नहीं बेचने। क्या करना है? वो आप ना हमारी कल शुरुआत में आइए, हमारी कैलाश कॉलेज में ऑफिस में कल शुरुआत है, उसमें हम आपको बैठ के ढंग से समझाएंगे कि क्या करना है। आज ज्वाइनिंग लगाइए, कल आइए, सब सिखा देंगे। सारा हिंदुस्तान कर रहा है। मिनिमम वर्ड्स में आंसर देना। एक बार फिर से, एक मिनट एक मिनट, फिर से क्वेश्चन पूछो। इनको फिर से माइक देना, फिर से माइक देना। मैं भी ट्रेनिंग कर रही हूँ ना, तो ट्रेनिंग मोड में आ जाती हूँ। फिर से माइक देना। करना क्या है, क्या काम है? पैसा कमाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है। कैसे? वो कल आप शुरुआत में आइए, आपको सब सिखा देंगे, हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, मैं कर रही हूँ ना, मेरे जैसे इतनी सिंपल सिंपल लोग कर रहे हैं, आपका भी हो जाएगा। कल शुरुआत में आइए। आपको कुछ लोगों को स्विट्जरलैंड लेके जाना है, खुद भी जाना है और कुछ लोगों को लेके जाना है, बहुत अच्छा लगेगा, बस वही सिखा देंगे आपको। अब हमने बोला आपको कुछ लोगों को फॉरेन ट्रिप लेके जाना है, स्विट्जरलैंड लेके जाना है, मतलब सवाल का जवाब दे दिया ना जी, लोग जोड़ने होंगे। सवाल का जवाब तो यही दिया है कि लोग जोड़ने होंगे, तो आंसर नहीं किया है, हैंडल किया है। मैडम मेरे को पतंजलि पेस्ट्री किस कल का?